सबसे पहले हम जो न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.8 है, जो कि कोलराश लॉ के फर्स्ट एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है, यानी कोलराश नियम के प्रथम अनुप्रयोग पर यह न्यूमेरिकल डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन में हमको क्या कहा जा रहा है, ये देखिए लैम्डा एम इन्फिनिटी, या इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डिल्यूजन पर मोलर कंडक्टेंस फॉर NaCl, HCl एंड NaAc। यहाँ पर NaAc का मतलब होता है सोडियम एसीटेट, जिसको मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक है, R 126.4, 425.9 एंड 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट लेमडा एम इन्फिनिटी फॉर HAC, इसको हम CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये HAC या फिर CH3COOH, ठीक है, तो एक ही बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक काम कर सकते हैं कि हमेशा याद रखना जो फर्स्ट एप्लीकेशन है कोलराश का, कोलराश का प्रथम अनुप्रयोग है, उसमें एक बात का ध्यान रखना कि जिसकी आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है, जिसकी आपको आणविक चालकता निकालना है, उसको सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लो। जैसे आपको इसकी वैल्यू निकालना है तो आप इक्वल टू के इस तरफ इस CH3COOH को लिख लो। दो कैसे, ये देखिए लेमडा एम ये इन्फिनिटी और यहाँ पर लिख लो CH3COOH, ये आपने ऐसे लिख लिया। अब आप यहाँ पर एक बात देखिए कि इस CH3COOH में दो आयन प्रेजेंट हैं, एक तो CH3COO नेगेटिव और दूसरा क्या है डियर, H पॉजिटिव। देखिए CH3COO नेगेटिव यहाँ तक और दूसरा क्या है, H पॉजिटिव इसके अंदर प्रेजेंट है। तो आप याद रखिए कि आपको जो थ्री स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं, एक NaCl दिया है, एक HCl दिया है और एक ये NaAc यानी सोडियम एसीटेट दिया है। तो इन तीनों में आपको ये देखना है कि CH3COO नेगेटिव किस में है, तो आंसर आया इसमें है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको लिख लो। चलो लिख लीजिए लेमडा एम इन्फिनिटी, ठीक है, और फिर इसको लिख लिया हमने CH3COO यानी आपने लिख लिया। फिर आप देखिए एच कहाँ पर है, तो आंसर आता है इस HCl में एच होता है, तो इसको जो है प्लस करके लिख लो। तो यहाँ पर प्लस ये लेमडा एम इन्फिनिटी आपने लिख लिया इस तरह से। एक बार फिर से देखिए लेमडा एम इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनाइट डिवीजन पर आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है, अनंत तनुता पर आणविक चालकता आपको CH3COOH के निकालना है। तो आप ये देखिए CH3COO नेगेटिव कहाँ है, आंसर आता है यहाँ, तो इसके इक्वेशन इसको लिख लो आप, आपने लिख लिया। फिर एच पॉजिटिव इस इन दोनों में ढूंढो एच कहाँ है, इसमें है, तो इस पूरे को लिख लो प्लस करके, आपने प्लस करके लिख लिया। ठीक है, इसको HCl को। अब जो थर्ड बचा, जो बच जाएगा, उसको हमेशा आपको सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि माइनस करना है। तो आप माइनस ऐसे करके ये देखिए इस तरह से आप लिख दीजिए, ये देखिए मैंने लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया, बस अब करना क्या, कुछ नहीं। अब आप है ना इन सब की वैल्यू रख दीजिए। आपको पता है यहाँ पर जो CH3COOH है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, ये देखिए 91। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए CH3COOH की जो वैल्यू है वो है 91, ठीक है, 0.0 और सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तो आप लिख देना। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर HCl की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 425.9, तो यहाँ देखिए HCl की वैल्यू है 425.9 और सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तो आप लिख ही दोगे। ठीक है, इसके बाद NaCl है, ये देखें यहाँ पर NaCl, ठीक है, तो NaCl की वैल्यू कितनी है, चलो NaCl की हम वैल्यू लिख देते हैं। NaCl की वैल्यू है डियर, ठीक है, वो वैल्यू है यहाँ पर 126.4, ये है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपने लिख दिया। तो अब आपको पता है ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, देखिए CH3COOH की वैल्यू जो इनफाइनाइट डिफ्यूजन पर जो मोलर कंडक्टेंस है, आप इसको ऐसे लिख दो लेमडा इन्फिनिटी एम, इसकी वैल्यू गिवन है
यहाँ पर लेमडा एम इन्फिनिटी इसकी वैल्यू गिवन है और लेमडा एम इन्फिनिटी इसकी वैल्यू गिवन है। तो देखिए इसकी वैल्यू ये थी आपने लिख दिया, इसकी वैल्यू ये थी आपने लिख दिया, इसकी वैल्यू ये थी आपने लिख दिया, ये वैल्यूज लिख दी। अब आपके पास फार्मूला क्या डियर, ये फार्मूला है जो कि अभी आपने सेट किया था, इसको बनाया था क्योंकि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इसकी जगह पर वैल्यू रखो 91, इसकी जगह पर वैल्यू रखो 425.9 और इस NaCl की जगह वैल्यू रखो 126.4। जब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगा, ये देखिए मिल गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 91.0 प्लस 425.9 इसको ऐड कर दो, ऐड करने पर आपको मिलेगा 516.9 और माइनस में 126.4 आएगा ही। फिर आप क्या करेंगे, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये देखिए ये आपका आंसर आ चुका है, ये देखिए। तो आपको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर यहाँ पर एच ए सी दिया है और आपने सी एस थ्री सी डबल ओ एच लिख लिया है। तो डियर एक ही बात है, देखो मैं आपको यहाँ पर इसको अगर लिखता हूँ तो किस तरह लिखता हूँ, देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ये देखिए एच सी एस थ्री सी डबल ओ, भाई ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, तो बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं आप लोग, मैंने आपको इसीलिए ये लेकर के समझाया है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये वाला NCERT एग्जाम्पल 3.8 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको मैं प्रीवियस वीडियो में ये सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक न्यू क्वेश्चन के साथ, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से डियर, देखिए यहाँ पर ये NCERT एक्सरसाइज का 3.15 क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिए कैसे। क्वेश्चन इस तरह से है, अ सोल्यूशन ऑफ NiNO3 होल ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट, वॉट मास ऑफ निकिल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, ठीक है। ये मैं समझाऊंगा अभी आपको, देखिए यहां पर हिंदी में पहले बोला जाए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए NiNO3 होल ट्वाइस के एक विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया, निकिल की कितनी मात्रा कैथोड पर निक्षेपित एकत्रित होगी, ठीक है, ये अपन को बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं बताता हूँ कैसे होगा। जरा आप इसके पहले आप एक काम करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने एक यहाँ पर पॉट लिया, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आपको पता है ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा डियर एनोड, और अगर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा कैथोड। अब इसके कंटेनर में यानी इसके बीच में आप NiNO3 होल ट्वाइस सॉल्यूशन को भर दो, निकिल नाइट्रेट विलयन को, निकिल नाइट्रेट सॉल्यूशन को इसमें भर दो, आपने भर दिया, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होता है, होता यह है कि जो Ni2 पॉजिटिव है ये कैथोड की तरफ जाएगा और NO3 नेगेटिव है ये एनोड की तरफ जाएगा। ऑब्वियसली आप जानते हैं पॉजिटिव है भाई तो नेगेटिव तरफ जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव तरफ जाकर वहां डिपॉजिट होता है, एकत्रित होता है, बस, ठीक है। तो यहां पर ये जो कैथोड है इस पर निकिल की क्वांटिटी क्या होती जाएगी, डिपॉजिट होती जाएगी। तो यही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि निकिल नाइट्रेट NiNO3 होल ट्वाइस के सॉल्यूशन को हम दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में लेते हैं, ठीक है, और हम उसका इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं, उसका विद्युत अपघटन कराते हैं। तो यहां पर हम बैटरी की हेल्प से 5 एम्पियर के करंट को 20 मिनट तक पास करते हैं, 5 एम्पियर की विद्युत धारा को 20 मिनट तक हम क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे।
तो इसके कैथोड पर कितनी क्वांटिटी डिपॉजिट होगी, बस ये तो पता नहीं है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं बता दूं आपको कि आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो कुछ एटॉमिक मास ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत वैल्यूबल हैं, जिन्हें आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे निकिल का एटॉमिक मास 58.5, कॉपर का 63.5, जिंक का 65.3 और एजी का 108, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये आपको याद करना पड़ेंगे, इससे क्या होगा आपको न्यूमेरिकल के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि यहाँ पर जो NiNO3 होल ट्वाइस है वो इस तरह से आयोनाइज होता है, Ni2 पॉजिटिव प्लस 2NO3 नेगेटिव में। ठीक है, फिर होता क्या है कि यहाँ पर ये जो Ni2 पॉजिटिव है ये किस तरफ जा रहा है, जरा ध्यान से देखिए किधर जा रहा है, ये कैथोड पर जा रहा है। तो कैथोड पर जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। ठीक है, यानी Ni2 पॉजिटिव से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है डियर, निकिल में। तो नेचुरल है ये Ni2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और निकिल सॉलिड में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और कैथोड इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा, कैथोड इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होगा। ठीक है, तो वही हमको बताना है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं आपका इस फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू W इंटू 96500 अपॉन E। आपको पता है Q यहाँ पर करंट इन कूलाम, कूलाम में विद्युत धारा है, E इक्वलेंट वेट तुल्यांकी भार है ये, W क्वांटिटी डिपॉजिट एट कैथोड, कैथोड पर एकत्रित मात्रा है ये। तो आप क्या कर सकते हो, आपको W फाइंड करना है। तो अब आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखिए। अब आपको पता है कि इसमें आपको 5 एम्पियर करंट को 20 मिनट के लिए कहा है, तो आप Q इक्वल टू IT रख दोगे। I का मतलब होता है करंट इन एम्पियर, तो वो I आपको दे रखा है 5 एम्पियर, आपने I की जगह 5 एम्पियर लिख दिया। अब देखिए डियर, जब हम I का यूज करते हैं तो यहाँ जो टाइम होता है वो सेकंड में होता है, और हमको यहाँ पर टाइम दिया है 20 मिनट दिया है, ये देखिए। तो उसमें हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हम इसमें हमेशा टाइम जो यूज़ करते हैं वो सेकंड में यूज़ करते हैं, इसीलिए 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो 1200 हमको सेकंड मिलेगा, जिसको हम टी की जगह पुट करेंगे। और ई का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि जो भी एटॉमिक वेट होता है, निकिल का कितना होता है, 58.2 होता है, तो उसको हम लिखते हैं। फिर जो इलेक्ट्रॉन आप यहां पर एब्जॉर्ब कराओगे टू, उस टू का आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा आपको, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, किसका, निकिल का। तो ई की जगह पर आपको इतना लिखना है, ठीक है, टी की जगह पर आपको इतना 1200 सेकेंड लिखना है, और आई की जगह 5 एम्पियर लिखना है। जब ये तीनों वैल्यू आप पुट करेंगे तो डब्ल्यू आपका फाइंड हो जाएगा। चलो आई की जगह लिखो 5 एम्पियर, टी की जगह लिखो 1200 सेकेंड, ये लिख लिया, ई की जगह 58.5/2 ये आपने लिख लिया, और नीचे क्या है 96500। अब क्या करेंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, तो आपके पास इसका आंसर आएगा W इक्वल टू 1.82 ग्राम। 1.82 ग्राम अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है डियर, ये 1.82 ग्राम। ठीक है, अब आप कि इजी करने के लिए थोड़ा बता दूं मैं, जब आप 5 × 1200 × 58.5 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अप्रोक्स इतना आ जाएगा, ये देखिए 35100, फिर 96500 × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.82 ग्राम ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने आपको जनरली बताया कि आपको कैलकुलेशन खुद भी करते हो तो वो आपको कैलकुलेशन आ जाए। ठीक है, तो अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप क्वेश्चन को है ना समझ के करो, है ना। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ही हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को करना है, हमको इन दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में NiNO3 होल ट्वाइस यानी इसके सॉल्यूशन को रखना है, फिर हमको 5 एम्पियर करंट को 20 मिनट तक पास करना है। तो ये जो Ni है, Ni2 पॉजिटिव, यहाँ जाकर के निकिल में कन्वर्ट होगा, तो उस 5 एम्पियर करंट को जब 20 मिनट तक पास करेंगे तो इसके कैथोड पर कितनी क्वांटिटी डिपॉजिट होगी वो हमको बताना है। तो हमको तो पता चल गया कितना, 1.82, ये हमारा क्या गया डियर, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं। अब आपके सामने है इंटेक्स्ट 3.12, ये इंटेक्स का क्वेश्चन है 3.12।
क्वेश्चन सुनिए, कंसीडर द रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 नेगेटिव। देखिए यहां पर ये डाइक्रोमेट आयंस है, ये डाइक्रोमेट आयंस Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, Cr2O7 का 1 मोल 6 इलेक्ट्रॉनों की वजह से रिड्यूस होकर के Cr3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल Cr2O7 2 नेगेटिव आयन को Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो अपन को बताना है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम। तो चलो पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, निम्नलिखित अभिक्रिया में Cr2O7 2 नेगेटिव आयनों के 1 मोल के अपचयन के लिए कूलम में विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहां पर देखिए 1 मोल Cr2O7 2 नेगेटिव, ये 1 मोल डाइक्रोमेट आयन है, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है Cr3 पॉजिटिव में, तो 6 इलेक्ट्रॉनों की हमको क्या जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर वही है 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट 1 मोल Cr2O7 2 नेगेटिव इंटू Cr3 पॉजिटिव, यानी कि 1 मोल Cr2O7 2 नेगेटिव को Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमको 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी जब आप इसको इसमें परिवर्तित करेंगे तब। तो डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट सुनिए, क्वेश्चन में आपको ये एक रिएक्शन गिवन है, ये एक रिएक्शन आपको दी गई है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, इस Cr2O7 2 नेगेटिव के आगे यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 सपोज हम मानते हैं, यहाँ 1 होता है, तो ये हो गया 1 मोल Cr2O7 2 नेगेटिव। तो 1 मोल Cr2O7 2 नेगेटिव को हम जब इस Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमको 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन ये है, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव। ये तो आपने देख ही लिया है क्वेश्चन में, क्या देखा, 1 मोल Cr2O7 2 नेगेटिव को अपचयित करने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। देखो ना, 1 मोल Cr2O7 2 नेगेटिव को रिड्यूस करने के लिए 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अब यहां पर लिखना पड़ेगा एज, चूंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में 1 फेराडे होता है, 1 फेराडे का मतलब होता है 96500 कूलम, यानी इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है किसमें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर। हमको फाइंड किसके लिए करना है, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए करना है। तो यहां पर 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम लिखेंगे तो याद रखना कि ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमेशा अपॉन में आएगा, और जिसकी बात होती है ये हमेशा इनटू में आता है। ये रूल आप दिमाग में बिठा लो, कैसे कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 96500 कूलम होता है। तो अगर हमको 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जिसकी बात हो रही है, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इसका होता है हमेशा मल्टीप्लाई, और जो शुरू में था ये 1 मोल, ये हमेशा कहाँ आता है, अपॉन में आता है, ठीक है। अब आप 1 नीचे है इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, 96500 इंटू 6 करोगे तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर कितना आएगा डियर, 579। इसका आंसर कितना आएगा डियर, इसका आंसर आएगा 579000, ये इसका आंसर है। कितना आंसर है डियर, 579000, ये देख लीजिए इसका आंसर 579000 करके देख लीजिए आप, ये आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये
समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।